सो ही व्हाट्सअप गाइस, यार कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं लोगन, वेलकम बैक इन माय अनदर ऑसम वीडियो। तो यार जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हमारी ऑसम गेम्स के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं। आज मैं लेके आ चुका हूं हमारी क्लैश रॉयल और इसको मैं बताने वाला हूं बेस्ट टैग फॉर अरीना 9 गोब्लिन अरीना के लिए बेस्ट गाइस, सबसे बेस्ट बेस्ट टैग मैं आज बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को। तो यार वेट किस बात का, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट द वीडियो आफ्टर स्मॉल इंट्रो। सो गाइस यार जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग हमारे इंट्रो के बाद वापस आ चुके हैं। ये मैं आप सभी लोगों को चल के दिखा देता हूँ जो हमारा अटैक होने वाला है वो कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं कितने सारे, यही है जो हमारा अटैक है यार, कुछ इस तरीके का होने वाला है। आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए भाई साहब क्या होने वाला है। एक हमारी आइस प्लेट होने वाली है, हमारा लॉग होने वाला है, हमारी गोब्लिन गैंग होने वाली है, गोब्लिन बैरल प्रिंसेस और इंफर्नल टावर वेलकाइरी एंड भाई जो हमारा लास्ट है वो रॉकेट भाई साहब, यही सब होने वाली है। वेलकाइरी रॉकेट एंड यार इन्फर्नो टावर भाई साहब, यही सब होने वाला है हमारा जो टैग है भाई, सबसे बेस्ट टैग है हमारा अरेना 9 का। तो यार अभी मैं डायरेक्ट आप सब लोगों को चल कर दिखाता हूँ कि हमारा मैच में मैं आप लोगों को मैच खेल के दिखाऊंगा कि कैसे ये टैग हमें यूज़ करना है भाई साहब। बहुत ही तगड़ा टैग है भाई, क्या ही बताऊँ मैं आप सभी लोगों को। दोस्तों यार अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ हमारी बैटल को स्टार्ट और अभी हम आगे चल के देखेंगे कि हमको कैसे कैसे यूज़ करने हैं हमारा टैग। यहाँ पे हमारा जंगल रीना भाई आ चुका है। यहाँ पे भाई सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हमारी वेलकाइरी भाई, मैं गोब्लिन बैरल यार सबसे पहले आपको जो उड़ने वाली चीज़ होती है वही आपको वहाँ पर छोड़नी है। देखते हैं यार हम कितना डैमेज देंगे वहाँ पर भाई साहब, देख सकते हैं आप सभी लोग मैंने इतना सारा डैमेज मार दिया है उसके एक बॉक्स को। अभी यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा एक रॉकेट की, मैंने वहाँ पे एक रॉकेट छोड़ दिया, अब देखते हैं और कितना डैमेज होगा भाई साहब। यार 1500 डैमेज हो चुका है, उसका भी क्राउन 9 का है, मेरा भी 9 का है। उसने भाई साहब यहाँ पे भेज दी अपनी वेलकाइरी। अब देखो भाई बड़े बड़े चीज़ों से बचने के लिए आपको एक इन्फर्नो टावर लगा देना है बीचों बीच, उससे आपका ज़्यादा कुछ होगा नहीं। देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर विज़ार्ड को भी मैं यहाँ पर मारूँगा, लॉग से डैमेज पड़ा, देख सकते हैं भाई मुझे कितना कम डैमेज पड़ा है। जितने भी बड़ी चीज़ें हैं आपको उनको इन्फर्नो से ब्लॉक करना है, बहुत ही तगड़ी चीज़ है इन्फर्नो टावर। अभी यहाँ पे मैं गोब्लिन गैंग छोड़ता हूँ यार, गोब्लिन गैंग अभी इसको थोड़ा भटकाएगी, तब तक हमारी वहाँ पे मैं गोब्लिन बैरल छोड़ूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे इसको थोड़ा डैमेज पड़ने देंगे, देखते हैं मैं क्या उखाड़ लेगा ये हमारा। अभी यहाँ पे भाई साहब इसने हमारा वहाँ पे 550 का डैमेज पड़ा और उसने हमें दिया 1100। देखते हैं यार उसका हॉक राइडर आया, मैंने यहाँ पे इन्फर्नो टावर लगा दिया। अभी यहाँ पे उसका हॉक राइडर मेरे इन्फर्नो टावर पे अटैक करेगा, तब तक मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। अरे माँ भाई साहब उसने मेरे से ज़्यादा डैमेज मार दिया, लेकिन जीतेंगे हम ही यार। लिटरली भाई साहब बहुत ही ओपी वाला अटैक मैंने आप सभी लोगों को बताया है। अभी यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ कि अभी मैं अपने एलिक्सियर बढ़ने दूंगा, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है आगे। अभी यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा एक रॉकेट की, जिससे वेलकाइरी को भी डैमेज पड़े। अरे यार पढ़ना चाहिए यार भाई साहब, वेलकाइरी को कोई डैमेज नहीं पड़ा, मैं उसको लॉग से ब्लॉक करूँगा वेलकाइरी और उसके विजार्ड को। अभी यहाँ पे हम दोनों को डैमेज मारेंगे थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे उसको डैमेज तो पड़ ही रहा है। अरे यार गाइस पहला तो हम उनके उन्होंने हमें क्राउन मार दिया। अभी यहाँ पे मैं वहाँ पे अपना गोब्लिन बैरल छोड़ता हूँ और अपने नाम भी एक क्राउन करता हूँ। उन्होंने भाई साफ प्रिंस छोड़ दिया, अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। गाइस उसकी एक गैंग आ रही थी, मैंने यहाँ पर रॉकेट कर दिया उनको डैमेज देने के लिए। अभी यहाँ पे भाई साहब प्रिंस को डैमेज हुआ है, मतलब वो जो घोड़े पे आता है दौड़ के। अभी यहाँ पे मैंने अपनी वेलकाइरी को छोड़ दिया उनको भटकाने के लिए। भाई साहब उसने हमें डैमेज तो दिया लेकिन मैं उसको अपना क्राउन करना नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं ब्लॉकेज के लिए इन्फर्नो टावर लगा दूंगा। अभी हमारा जो पूरा एम रहेगा वो हमारे डिफेंस पर रहेगा और हम फ्लाइंग वाली चीज़ों से वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डैमेज देते रहेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं हमारे इन्फर्नो टावर ने किसी ने ईजिली से आसानी से मार दिया है उस वेलकाइरी को। अभी जहाँ पे उसका प्रिंस आ रहा था, मेरी प्रिंसेस दूर से उसको डैमेज दे दिए, मैं यहाँ पे रॉकेट भी कर देता हूँ उसको डैमेज देने के लिए, ख़त्म ही कर दिया भाई पूरा। यहाँ पे उसका हॉक राइडर भी आया, मैं यहाँ पे मेरा इन्फर्नो टावर उसको फिर से डिफेंस करेगा भाई सब। 4 सेकंड रहते हैं, सडन डेथ हो जाएगा यहाँ पर अभी। और अभी देखते हैं कि क्या होता है यार, एक भी क्राउन फूटा तो हम हार जाएंगे, लेकिन यार मैं हारने नहीं दूंगा अपने आप को। अभी यहाँ पे मैं उसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया, गोब्लिन बैरल वहाँ पे छोड़ता हूँ और फिर देखेंगे कि क्या होता है। गोब्लिन बैरल अभी उसको अच्छा खासा डैमेज मार रहा है, अभी हम देखते हैं कि मैं उसको मार पाता हूँ या नहीं। मैं अपना यहाँ पे रॉकेट करता हूँ जिससे कि विजार्ड को भी डैमेज पड़े। विजार्ड ख़त्म ही हो गया, डैमेज क्या पड़ा वो तो ख़त्म ही हो गया भाई साहब। अभी यहाँ पर मैं अपनी वेलकाइरी भी छोड़ देता हूँ और फिर देखेंगे क्या होता है।
गाइज अगर टाइम वो जो होता है ना, जो भी टाई ब्रेकर अगर वो हुआ तो उसमें तो मैं ही जीतूंगा। तो यहाँ पे भी हमारा गोब्लिन बैरल जाएगा आगे और फिर देखते हैं क्या होता है। वेलकारी ने हमारे गोब्लिन्स को मार दिया। यहाँ पे मैं ब्लॉकेज के लिए फिर से एक इन्फर्नो टावर लगा देता हूँ। भाई साहब इन्फर्नो टावर बहुत तगड़ी चीज़ है भाई, यह सही बता रहा हूँ, सबसे तगड़ी चीज़ लगती है मेरे को इन्फर्नो टावर। अभी जहाँ पर हमारा रॉकेट जाएगा, अभी मैं अपने बढ़ने देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना रॉकेट करता हूँ। नहीं गोब्लिन गैंग, भाई साहब गोब्लिन गैंग उसको डैमेज नहीं करा। अभी हमारा पूरा ध्यान डिफेंस पर रहेगा, मैं वहाँ पर रॉकेट कर देता हूँ और अभी देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे वेलकायरी आ गई, हमने अपनी वेलकायरी को भी छोड़ दिया। अभी पूरा ध्यान हमारा गाइस ब्लॉकेज पे रहेगा। अभी हम यहाँ पे उसकी एक और वेलकायरी आ गई, मैंने इन्फर्नो टावर लगा दिया। यहाँ पे लॉग छोड़ देंगे यार, जैसे उसके प्रॉब्लम्स आए मैंने अपने लॉग छोड़ दिया ताकि मुझे ज़्यादा डैमेज ना पड़े। मैंने यहाँ पे अपना रॉकेट कर दिया। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है उसका। भाई साहब बहुत ही तगड़ी चीज़ चल रही है, मैं अपने गोब्लिन गैंग को छोड़ देता हूँ। गोब्लिन बैरल मैं उधर आगे छोड़ दूंगा, 30 सेकंड रहते हैं। भाई साहब सडन डेथ ख़त्म हो जाएगा अगर तगड़ी चीज़ हो गई। यहाँ पे मैं अपना रॉकेट छोड़ता हूँ उसको और डैमेज देने के लिए। भाई साहब हमें टाई ब्रेकर में जीतना है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि हम ऐसे ही उसका क्राउन लेके जीत जाएँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पर इन्फर्नो टावर लगाऊंगा ब्लॉकेज के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अभी 7 सेकंड रहते हैं। 5 4 3 मैं वहाँ पर गोब्लिन बैरल भी करती हूँ मैंने उसको और डैमेज देने के लिए। भाई साहब गाइस टाई ब्रेकर हो रहा है, अब देखते हैं कौन जीतेगा। गाइस यार जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ हमारे ओपी से टैक से। भाई साहब बहुत ही तगड़ा डैक है गाइस यार, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग इस डैक को ज़रूर यूज़ करिएगा। सो गाइज यार जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमने आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को हमारे टैग दिखाए कि अरिना 9 के लिए सबसे तगड़ा टैग कौन से होने वाला है। तो मैं अभी आप लोगों को एक और भारी दिखा देता हूँ कि हमारा टैग क्या था। गाइज कुछ ऐसा था हमारा टैग, आइस स्पिरिट, लॉग, गोब्लिन गैंग, भाई गोब्लिन बैरल, प्रिंसेस, इन्फर्नल टावर, वेलकायरी एंड रॉकेट। भाई बहुत ही तगड़ा टैग है, सबसे बेस्ट टैग गाइज यार यही है हमारे जंगल अरिना के लिए। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और भाई साहब थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी औसम वीडियोस लाता रहूँगा। अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के लिए फॉलो नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर दीजिए। हमारी दूसरी वीडियो भी जल्दी आएगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।